हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंगफली के बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं रेसिपी। मूंगफली का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए मैंने बर्तन में पानी ले लिया है और इसे कवर कर देते हैं ताकि पानी में बॉयल आ जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ पहले, तो इसे कवर करके बॉयल कर लेते हैं ताकि पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। और यहाँ पर पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब मूंगफली, तो ये कच्ची मूंगफली है और इसे बॉयल करना है 4 से 5 मिनट। दोबारा से कवर कर देते हैं, जब तक कि मूंगफली हमारी पक नहीं जाती तब तक बॉयल करेंगे। 4 से 5 मिनट में मूंगफली बहुत अच्छे से पक जाएगी। जब तक हमारी मूंगफली बॉयल हो रही है तब तक हम करते हैं बाकी की सारी तैयारियाँ। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा बोल, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 आलू ग्रेट करके, तो बॉयल आलू है जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। और यहाँ पर आलूओं के साथ मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अच्छी बाइंडिंग आने के लिए। तो ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया। साथ में डालेंगे कुछ मसाले, तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही डालेंगे गरम मसाला, तो यहाँ पर गरम मसाला मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, तो हरा धनिया डाल लेंगे। 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बारीक कट करके। सारी चीज़ें मैंने बोल में डाल ली है। और जो हमारी मूंगफली बॉयल हो रही है वो भी चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जो हमारी मूंगफली है अच्छे से बॉयल हो गई है। इसके दाने वो छोटे छोटे थे लेकिन अब काफ़ी बॉयल होने से फूल गए हैं ये, तो इसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का पानी निकाल लिया है छलनी में डाल के। और इसके बाद दोबारा से मैं इसे इसी बर्तन में डाल दे रही हूँ और एक बार इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने मूंगफली को एक बार नॉर्मल पानी से धो दिया है और ये मूंगफली थोड़ी ठंडी भी हो गई है। इसके बाद इस मूंगफली को हम डाल देंगे बोल में। तो यहाँ पर जो हमने पूरा ये मिक्सचर तैयार किया है इस मूंगफली को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो यहाँ पर हाथों से ही मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ सभी चीज़ों को। यहाँ पर मूंगफली भी मैंने ऐड कर दी है, तो यहाँ पर जो नमक है वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं कितना इसमें डालना है। पूरे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस तरीके का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। इसके बाद हाथों पे थोड़ा तेल लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने हाथों पे थोड़ा तेल लगा लिया है। उसके बाद जो ये मिक्सचर है हम लेके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे, जितना कि जो हमारा अप्पम पैन है उसमें आ जाए उतने बड़े बॉल बनाएंगे। देखिए इस तरीके का बॉल तैयार हो गया, तो ऐसे ही पूरे मिक्सचर से बना लेंगे। और एक बॉल हमारा तैयार हो गया है तो दूसरा बना लेते हैं, जितने बॉल बन जाएंगे उतने बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने मूंगफली और आलू के सभी बॉल बना के तैयार कर लिए हैं, तो अब इन्हें फ्राई करेंगे। और गैस पर मैंने चढ़ा दिया है एक अपम पैन, इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा तेल, तो सभी कैविटी में ये थोड़ा थोड़ा तेल हम डाल देंगे। और इसे एक बार स्पून या ब्रश की हेल्प से चारों तरफ फैला देंगे इस तरीके से, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर जो तेल है वो गर्म हो गया, इसके बाद हर खाने में डाल देंगे थोड़े थोड़े से सरसों के दाने। आप चाहें तो यहाँ पर वाइट वाले जो तिल होते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सरसों के दाने। इसके साथ ही डाल देंगे सभी खानों में ये करी पत्ते, तो एक एक करी पत्ते भी डाल दे रही हूँ मैं, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे नाश्ते में। इसके बाद हम डालेंगे ये बॉल जो हमने बना के रखे हैं। ये सभी खानों में मैंने डाल दिया है और चारों तरफ से इसे अच्छे से सेकना है। तो एक बार पहले हम एक तरफ से अच्छे से सेक जाने देते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से सेकेंगे। और अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो इसे कैसे सेकना है बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इस पैन में हम डाल लेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर तेल को गर्म होने देते हैं और हम अप्पम पैन वाले जो नाश्ते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पलट लेते हैं और ये देखिए एक तरफ से बहुत ही बढ़िया से सीख गया है, दूसरी तरफ से सेक लेते हैं।
अगर आपके पास अपम पैन है तो उसमें बहुत ही अच्छे सिकते हैं ये बॉल। यहाँ पर इसे सिकने देते हैं और जो पैन में हमने तेल डाला था वो भी गर्म हो गया है। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे थोड़े से सरसों के दाने और इसे थोड़ा चटकने देंगे। तो ये करी पत्ते भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसके बाद जो हमने ये बॉल बना के रखी है इसे हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये टिक्की की शेप में आ जाएगा और बहुत अच्छे से सिकेगा। अगर इसे हम बॉल की शेप में सेकेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं सिकेगा, लेकिन जब ये ऐसे रहेगा तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। तो जितना पतला हो सके हम इसे कर देंगे ये देखिए, और इसे डाल देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके यहाँ पर सभी को इसी तरीके से प्रेस करते हुए, यहाँ पर मैंने दो डाल दिए हैं और सभी को इसी तरीके से हम प्रेस करेंगे और किनारों को भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और ये हम पैन में डालते जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से सेक सकते हैं। अगर आप इसे पैन में सेक रहे हैं तो बिना तेल के भी सेक सकते हैं, तो थोड़ा कम तेल डाल के भी इसे सेका जा सकता है पैन में। तो यहाँ पर मैंने सभी बॉल को जो टिक्की की शेप देके पैन में डाल दिया है और इसे भी हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। साथ में हम ये अपम पैन वाले को भी चेक करते रहेंगे और पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिके। तो जहाँ जहाँ से नहीं सिका है वहाँ वहाँ से इसे सेक लेंगे। तो एक साइड ही रह गई है सेकने के लिए, वहाँ से सेक लेते हैं इसे। तो यहाँ पर सभी बॉल को मैंने पलट दिया है, केवल एक साइड ही रह गई है सिकने के लिए। और ये जो हमने टिक्कियों वाले डाले हैं इन्हें भी हम पलट लेते हैं। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, आप इसे क्रिस्पी होने तक पूरा सेकें। तो यहाँ पर इसे और अच्छे से सेक लेते हैं और जो हमारे अपम पैन वाले बॉल थे वो पूरी तरीके से सिक गए हैं। और यहाँ पर इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं और जो अपम पैन वाले बॉल थे वो सिक गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ उसे, बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी से सिके हैं और बहुत ही सुंदर सा कलर आया, दिखाती हूँ ये देखिए। और यहाँ पर जो हमने पैन में डाले थे सेकने के लिए वो भी बहुत अच्छे से सिक गए हैं। तो दोनों ही तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से नाश्ता बनाएं। और ये जो हमने अपम पैन में बनाया है इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगा है, लेकिन जो हमने पैन में बनाया है बहुत कम तेल में ही सिक के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। शाम की चाय के साथ बनाएं, सुबह के नाश्ते में बनाएं, कभी भी बनाएं। हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।